यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि यार आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का आरिश खान की हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और आज के इस वीडियो में गाइस हम जो है कुछ बहुत ज़्यादा जो लग्जरी गाड़ी है ना, जैसे कि जी वैगन, ठीक है इसका इंजन बंद कर दो भाई। ड्राइवर शाफ्ट टूट भी गई। शिट यार, जी वैगन का कुछ टूट भी गया। क्या टूटा है ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ओके, करंटली यूजिंग आर्केड गियरबॉक्स, ठीक है। जी वैगन अंदर से कुछ इस टाइप की है दोस्तों। स्टेयरिंग कुछ इस टाइप का आप सभी लोग यार यहाँ पर देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपको जो है दोस्तों जो है देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो गाइज गाड़ी कुछ इसमें ही ज़्यादा हिल रही है, ऐसे है नहीं ऐसी, ठीक है ना। तो चलो यार रुक जाओ, कुछ ना कुछ तो टूट गया यार गाड़ी का, पर अब क्या ही कर सकते हैं। चलो अभी ऐसे जंप करवानी पड़ेगी दोस्तों और देखूंगा जी वैगन के साथ गाइस यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी बात पर लाइक कर देना। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, फ्रंट वाला हिस्सा गया भाई जी वैगन का। जी वैगन रुकना है। ओके, जी वैगन पीछे से भी गई, देखिए जरा इंटीरियर से क्या हाल हुआ है। ऑलराइट, जी वैगन चलने लायक तो है बट गाड़ी जो है दोस्तों जी वैगन जो है बॉडी लाइन से खत्म हुई है। अगर ऐसे देखा जाए ना ऐसे भाई गाड़ी के अंदर यहाँ पर कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बॉडी लाइन से जो गाड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है खत्म हुई है, ठीक है। चलिए सही है, इस सेगमेंट के हिसाब से इंजन अच्छा है, चल रही है दोस्तों गाड़ी लिटरली यार। और आप ही बता रहे क्या चाहिए गाड़ी से, देख तो लो, देख रहे हो इंटीरियर बच गया। ये देखो गियर बॉक्स वगैरह, सनरूफ तो थी नहीं शायद इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। और यहाँ से भाई गाड़ी बच गई, और क्या चाहिए। स्टीयरिंग देखो, ठीक है ना, बस इतनी ही देखो, यहाँ पर ज़्यादा नहीं बच सकती भाई गाड़ी, पर नॉर्मल नॉर्मल से देखो गाइस यहाँ पर जो है बच सकती है, ठीक है। अगर तुम ज़्यादा ही बचाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं चली, दूसरी गाड़ी को ट्राई करते यार। शायद आप इस वाली गाड़ी को जानते हो, ये एक कस्टमाइज एक बंदे ने दोस्तों यहाँ पर करा रखी है गाड़ी। आप इसके दरवाजे वगैरह देखो, हर चीज़ इस गाड़ी को ना क्रैश टेस्ट के लिए किया गया। उसने कहा कि गाड़ी के जो प्लास्टिक वगैरह है वो तो टूटेंगे ही, तो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सी गाड़ी दूंगा जो इसके अंदर सब कुछ लोहे वोहे का लगा होगा। तो गाइस बिल्कुल गाड़ी की फिटिंग है, इसके बम्पर वम्पर गाड़ी के जो निकाल लिए गए हैं, इंजन वगैरह दिख रहा है, इंजन का कवर दिख रहा है दोस्तों, सही है भाई। मैं आपको एक बार इंटीरियर चेकआउट करा दूँ इस गाड़ी का, वेट अ वाइल। तो इंटीरियर में से कुछ नहीं निकाला गया, आपसे पीछे देख लो, पीछे से भी अच्छी है गाड़ी, फुल पैरानोमिक सनरूफ है कार के अंदर। तो आपने जी वैगन का तो हाल देख ही लिया होगा ना क्या हाल हुआ था, अब आप इसका भी देखना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखने के लिए तैयार। ओ भाई साहब ये गाड़ी तो खतरनाक है भाई, क्या स्पीड पकड़ रही है गाड़ी, अब ये भी ठुकेगी। ऑलराइट, इतनी ज्यादा हाई स्पीड इंजन, बंदा बचेगा भी नहीं, बचना जिसे कहते हैं ना वो भी नहीं हो सकता इस गाड़ी के साथ। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, मैं तुम्हें कैमरा मॉड करके दिखाता हूँ, वेट अ वाइल। ऑलराइट, तो गाइस आप सभी लोग ना अपना ध्यान से देखो गाड़ी को पास से, ये देख रहे हो इसका इंजन ना अंदर से बहुत खतरनाक तरीके से तोड़ दिया गया। व्हील्स वगैरह दोस्तों एक साइड में घुस चुके हैं, देख रहे हो कैसे घुस गए, और शीशे शीशे टूट गए। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं,
तो इंटीरियर बहुत भयंकर तरीके से दोस्तों डैमेज हो चुका है, पूरा डैशबोर्ड वगैरह हर चीज़ टूट चुकी है, हर चीज़ प्रॉपर गाड़ी की सनरूफ भाई कहाँ, स्टीयरिंग देखो कहाँ जाके गिरा है भाई साहब। ऐसा भाई कोई नहीं है जो इस गाड़ी में बच जाएगा, पीछे से भी नहीं बच सकता भाई कोई पीछे से भी, ये गाड़ी ख़त्म हो चुकी है देख रहे हो। एक एक चीज़ दोस्तों किस टाइप से होगा, मैं सोचा था इस वाली गाड़ी के अंदर यार बंदा जो है बच सकता है, पर लिटरली दोस्तों इसको चलिए मैं यहाँ पर जो है हटा देता हूँ, तो इससे भी दोस्तों यार यहाँ पर जो है बंदा क्या नहीं बच सकता, देख रहे हो कितने बुरी तरीके से। और यहाँ पर आप सभी लोग ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, व्हील डैमेज हुआ, ये डैमेज हो गया, फ्यूल टैंक डैमेज नहीं हुआ वरना गाड़ी ब्लास्ट हो जाती ठीक है ना, और इंजन तो भाई पूरे तरीके से डैमेज है, सही है। वैसे गाड़ी वो जो क्रैश टेस्ट है यहाँ वहाँ से सीधा के यहाँ पर ठुकने वाली होती हैं गाड़ियाँ, इसकी तो भाई बहुत ज़्यादा जीप कंपस भाई 0 स्टार रेटिंग, 0 स्टार रेटिंग, मुझे इतनी पसंद नहीं आई भाई, देख तो लो यार गाड़ी का क्या हाल हो गया दोस्तों। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी कार दिखाने जा रहा हूँ जो कि इस दुनिया में सबसे महंगी गाड़ियों में से एक है, दिखाता हूँ आपको कौन सी है। यार ये है वो गाड़ी, आप सभी लोग यार यहाँ पर देख पा रहे हो, रोल्स रॉयस ठीक है। अब ये भाई जो रोल्स रॉयस है ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, गोस्ट है, पहले मैं इसको ऊपर लेकर चलूंगा वहां से कूदाऊंगा, कितनी तेजी ऊपर चढ़ रही है देख रहे हो, मजा लेकर गाड़ी में जरा से भी असर पड़ जाए। इंटीरियर देखो बस, इससे ज्यादा तेज से नहीं चढ़ पा रही भाई ये रोल्स रॉयस, बस 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 इतनी पावर है रोल्स रॉयस के अंदर। चल चल तो चलिए दोस्तों रोल्स रॉयस की जंप देखने के लिए कौन कौन यहाँ पर बहुत ज्यादा रेडी है, एक बार कमेंट करके बताओ। चलो 3 2 1 उड़ा देता हूँ फुल स्पीड में, ये क्या हुआ यार, नहीं 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 ये रोल्स रॉयस के साथ मजाक हो रहा है क्या हो रहा है, टायर ही निकल कर चले गए यार, इतने घटिया टायर बनाती है क्या भाई रोल्स रॉयस, मुझे पहली बार पता चला। पिछले दोनों बम्पर यहाँ पर जो टच हो चुके हैं ठीक है, एक तो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है, एक हल्का सा यहाँ पर टच हुआ है भाई साहब, यार इतनी घटिया चीप क्वालिटी तो भाई कोई भी कंपनी नहीं बनाती जितनी रोल्स रॉयस बना रही है। चलिए एक बार इसको दोबारा से ऊपर से लेकर आते हैं फिक्स करवा के, दूसरी गाड़ी मुझे यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाली तो भाई यूज़ करने लायक अब देखो दोस्तों यहाँ पर बची नहीं है ठीक है ना भाई। गाइस तो अब यार यहाँ पर जो है एक बार फिर से जो है गाड़ी ऊपर आ गई है भाई साहब, और इसका जो गाड़ी का है हाई क्लच टेम्परेचर हो रखा है, आई डोंट नो व्हाई ऐसे इसका क्लच का टेम्परेचर हाई होता है, देखो क्लच ओवर हीटिंग, ये इस वाली गाड़ी में कुछ ज़्यादा इशू आ रहा है भाई, देख रहे हो धुआं निकलने लग जाता है। और एक बात और, ये गाड़ी सीधे तरीके से नहीं चल सकती, रोल्स रॉयस के है ना मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है यार इस चीज के अंदर भाई, रोल्स रॉयस का एक्सल ब्रोक हो गया हो जाता है इस गाड़ी का बहुत ज्यादा जल्दी, एक्सल ब्रोक होता है इस गाड़ी का, इस गाड़ी का एक्सल बहुत ज्यादा जल्दी टूट रहा है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता भाई इतनी जल्दी आर आर टायर बहुत जल्दी इसका एक्सल, फिर से रोल्स रॉयस आ चुकी है उससे नीचे वाले रैंप पर, और मेरा दिल कह रहा है कि भाई रोल्स रॉयस की ऐसी तैसी कर, ये जो कंपनी इतनी बुरी चीज़ें दे रही है ना इसके अंदर देख तो लो, ये देखो और सारी रोल्स रॉयस के अंदर बीमारी है भाई, ये सारी रोल्स रॉयस में है बीमारी, इसके पिछले टायर निकल रहे हैं भाई रोल्स रॉयस के, ओ भाई पीछे से क्या जोरदार पड़ी है भाई साहब, पीछे के पैसेंजर्स के लिए तो भाई कुछ भी नहीं बचा होगा, सीटें पीटे सब फूट गई, ना ना ना
इससे ज़्यादा अच्छी ना भाई अपनी एक तो वो चल रही थी जी वैगन और अपनी जीप कंपस, वो भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही थी रोल्स रॉयस के कंपैरिजन में। दोस्तों वही गाड़ी है ज़्यादा अच्छी चल रही थी, ये गाड़ी एवरेज एवरेज रही है, इतनी ज़्यादा अच्छी दोस्तों मुझे लगी नहीं। आपको लगी है तो एक बार कमेंट करके बताओ, मुझे नहीं लगी भाई दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपका इस बारे में क्या कहना है यार, ऐसा हो सकता है क्या भाई रोल्स रॉयस के साथ? टायर देखो कहाँ जा रहा है, एक नॉर्मल गाड़ी ट्रैक। गाइस यहाँ पर एक और गाड़ी है तो ये कुछ इस टाइप की है, इसका हॉर्न कुछ ऐसा है, इंटीरियर कुछ ऐसा है। गाड़ी कुछ इस टाइप की है, अच्छी चल रही है। ये भी तो चल रही है मस्त मक्खन मलाई। ओ भाई साहब इसके साथ क्या होगा? अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ड्राइवर अंदर हो तो क्या क्या होगा भाई ड्राइवर के साथ? ड्राइवर नहीं बचेगा बिल्कुल भी, नहीं चांस ही नहीं है भाई बचने के। हॉर्न अच्छा है, इंजन ख़त्म हो चुका है गाड़ी का, धुआं निकल गया दोस्तों इंजन के अंदर से और गाड़ी भी दोस्तों भयंकर तरीके से डैमेज हो गई। एक और गाड़ी ट्राई करता हूँ, चाहे एक नॉर्मल सी गाड़ी जो सेडान में आती है, देख लो। क्लच ओवरहीट हो जाएगा इसका मुझे पता है, हाई टेम्परेचर क्लच सही है भाई। ये सनरूफ भी आती है इस गाड़ी में, नॉर्मल सेगमेंट की गाड़ी है दोस्तों। चलिए अगर ये गाड़ी ऐसे गिरेगी देखूंगा क्या हाल होगा और इंटीरियर में दोस्तों क्या फर्क पड़ता है। चलिए राइट ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई हाँ कर गिरी गाड़ी, ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं थी गाड़ी कुछ। बाकी दोस्तों गाड़ी के अंदर एक चीज अच्छी है, इंजन फिर भी ठीक है, अभी भी ठीक हो जाएगा इसका इंजन, बट ज़्यादा डैमेज हुआ है क्या यार, बट नॉर्मल एवरेज एवरेज सही है। आई होप क्या यार आपकी हुई वीडियो अच्छी लगी होगी क्रैश टेस्ट वाली, अगर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड ऑब्वियसली शेयर कर दो मुझे दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।